नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर, तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। मुजफ्फरनगर जनपद के ककरौली थाना क्षेत्र के गांव दरियापुर से पूरा परिवार लापता हो गया, जहां चाचा ने अनहोनी की आशंका जताते हुए तहरीर देकर एक तांत्रिक पर आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग की। गाँव दरियापुर निवासी रामपाल ने थाने में तहरीर देकर बताया कि उसका भतीजा वेदपाल, पत्नी रीमा, बेटा 10 वर्षीय उज्ज्वल, 5 वर्षीय अभी और 7 वर्षीय कनक पिछले काफी समय से लापता है। सभी रिश्तेदारों से संबंधियों से जहां तक छानबीन के बाद कोई सुराग नहीं लग पा सका। आरोपी के कुछ समय से उनका किसी तांत्रिक के पास आना जाना था। तांत्रिक ने उनसे 5 लाख रुपए की रकम भी ली थी। प्रार्थी ने परिवार के साथ अनहोनी की आशंका जताते हुए तहरीर देकर आरोपी तांत्रिक के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। मामला है जी, और क्या नाम, मारा भतीजा था, तांत्रिक के चक्कर में आ गए, सारा मकान उकान वो भी कर गए, दंगा ढोर अपने वेश बाज पे यहाँ से लापता हो गया, डेड मैन हो गया। क्या नाम था भतीजे का? वेदपाल। और कौन थे? उनके बच्चे थे। बच्चे कितना टाइम हो गया उनको? उनको टाइम हो गया लगभग 2 तारीख का टाइम था, डेड मैन हो गया। तो आप क्या चाहते हो पुलिस प्रशासन से? बस आप चाहते हैं जी इनकी सहायता करें, ढूंढ डांड रहे हमारे गरीब आदमी, हम बाहर से इतनी होनी होनी गोरकार, तो हमें इनका रास्ता लगना चाहिए जी, कहाँ है, कहाँ कर रहा है, नहीं है। वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का, कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताज़ा खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त, नमस्कार। हमारे YouTube और Facebook चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें।